गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर्स 6 टेबल इन एमएस वर्ड ऑफ क्लास 5th. एंड इन द लास्ट सेक्शन वी डिस्कस अबाउट हाउ टू इंसर्ट टेबल इन अ वर्ड एंड हाउ टू डिलीट कॉलम्स, रोज एंड इंसर्ट न्यू कॉलम, न्यू रो एक्सेट्रा. इन दिस सेक्शन वी डिस्कस अबाउट चेंज द पोजिशन ऑफ टेक्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी आई इंसर्ट some text in this table. So let's start. Change the position of text in a table. How to change the position? So in layout group, in alignment group, on layout tab, this is the text direction. Select and you can change the direction like top, like that. आप देख रहे होंगे ये चेंज हो रहा है. दिस इज एंड आफ्टर दैट इफ आई सिलेक्ट दैट राइट. इस तरह से हम यहाँ से टेक्स्ट की जो डायरेक्शंस है सेल के अंदर वो चेंज कर सकते हैं. इसके बाद आता है सेल का मार्जिन. मतलब अगर हमने सेल का मार्जिन चेंज करना है, टॉप बॉटम या हम देखें वो सेल का मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं. इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलाइनमेंट इन द टेबल. अलाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं? अलाइनमेंट चेंज करने के लिए यहाँ हम टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे. यहाँ पर आपको टेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये चीज़ शो होगी जिसके थ्रू हम अलाइनमेंट्स चेंज कर सकते हैं. जैसे टेबल लेफ्ट राइट अलाइनमेंट है, लेफ्ट सेंटर राइट इस तरह से. एंड रो की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, कॉलम एंड उसके बाद सेल की अलाइनमेंट्स. हम यहाँ से ये अलाइनमेंट्स चेंज कर सकते हैं. उसके बाद आपका टॉपिक है स्प्लिटिंग. हाउ टू स्प्लिट द सेल इन होम टैब. यहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पर हमें ऑप्शन आएगी इंसर्ट कैप्शन, मर्ज सेल्स, ऑटोफिल. हम सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं. मर्ज का मतलब होता है बेटा, अगर मान लो मैं इन दो सेल्स को, ये वाले दो सेल्स को एक बनाना चाहती हूँ वन सेल में, तो इसको मर्जिंग बोलते हैं. मर्जिंग कैसे होती है? राइट क्लिक करके मर्ज सेल. तो आप देखो कि ये अब एक सेल में कन्वर्ट हो गया. इन लेआउट टैब ओके यू कैन स्प्लिट द सेल्स. मतलब स्प्लिट होता है कि आप इनको किस तरह से स्प्लिट करना चाहते हो. स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल अगर मैं करूँ तो इस तरह से ये स्प्लिट हो जाएगा. अगर लेआउट टैब में स्प्लिट सेल्स, आप कौन से नंबर ऑफ़ रोज, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को स्प्लिट करना चाहते हो, ये देखो ये दो में स्प्लिट हो गया. मतलब दो, यहाँ पर एक कॉलम के अंदर दो, आपको ये दो कॉलम्स में डिवाइड हो गया. इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं. उसके बाद है रीसाइज. अब हम रीसाइज कैसे कर सकते हैं टेबल को? मैं पहले इस टेबल को डिलीट करके एक न्यू टेबल इंसर्ट करती हूँ. इंसर्ट टेबल
एक न्यू टेबल इंसर्ट किया। अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसकी इसको जो है कॉलम का साइज़ वगैरह रीसाइज़ कैसे कर सकते हैं कॉलम को, मतलब रीसाइज़ करने के लिए एक तरीका ये है, यहाँ से भी हम रीसाइज़ कर सकते हैं इस तरह से, या फिर अगर आप यहाँ पर कर्सर लेके जाओ इस तरह से, तो इस तरह से भी हम इसको रीसाइज़ अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। इस पॉइंटर पे जाकर ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग करना, आफ्टर दैट इस तरह से हम इसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है कैलकुलेशंस इन टेबल। कैलकुलेशन में मान लो कि मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिए, यहाँ पर मैं इंसर्ट कॉलम राइट, यहाँ पर मैं इसका टोटल लूँगी, तो टोटल करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है, इंसर्ट के अंदर यहाँ पर आता है लेआउट टैब, लेआउट टैब के अंदर आता है बेटा ये फॉर्मूला, ये ओपन हो जाएगा सम लेफ्ट नंबर फॉर्मेट, इसको अगर हम ओके करेंगे तो आपको ये सम मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सम भी कर सकते हैं, आप इसमें कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।